आरक्षण की सुविधा है एससी एसटी भाइयों को राज्य सरकार तय करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। कांग्रेसियों और भाजपाओं के लोगों ने ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें, शिक्षा पे, रोजगार पे और बढ़ती हुई महंगाई पे सवाल करें। एक तरफ बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये भाजपा की सरकार आपके प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है। ये साथियों आपके बच्चों को शिक्षा से दूर रखकर आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रहे हैं जिसके तहत ये जितनी भी परमानेंट पक्की नौकरियां हैं उनको कच्ची नौकरी देकर आपको आरक्षण से दूर रखने का काम कर रहे हैं। 10 साल से सत्ता में रही दोनों पार्टियां और आज तक यहां का किसान गरीब और बेलचार घूम रहा है। साथियों आप लोगों ने शायद सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है एससी एसटी रिजर्वेशन के ऊपर, शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। मैं उनके बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है उसके तहत जो एससी एसटी में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों इससे हमारे सभी एससी एसटी भाइयों का जो नुकसान है वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों जब ये जजमेंट दिया जा रहा था तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखें, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन लें, उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे अपना हमारे एससी एसटी भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है एससी एसटी भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेगी। साथियों अब इससे क्या होगा, जो राज्य में सरकार सत्ता में है वो अपने मन मुताबिक एससी में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी और अगर चाहेगी तो आपसे उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं ये हमारे एससी एसटी समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपाओं के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें। तो साथियों जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों ये ऐसे ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। तो साथियों आपसे विनती है कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में ना ये कांग्रेस ना ये भाजपा आपकी हितेशी तो सिर्फ एक यहां पार्टी बसपा और एनएलओ। तो आने वाले विधानसभा में आप हमारे श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर इन सब को खदेड़ बाहर कर यहां पर अपने हितों को सुरक्षित करने का काम करें।
साथियों, पिछले 10 सालों से यहां हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार आसीन है और पिछले 10 सालों में इन्होंने कई विरोधी काम, जनता विरोधी, किसान विरोधी, दलित, एससी एसटी विरोधी काम करे हैं, परंतु अब विधानसभा आम चुनाव सर पर हैं तो ये आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे, परंतु इस बारी आप सबको वोट डालने से पहले इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल करने हैं। मैं साथियों आपसे जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि आप इनसे शिक्षा पे, रोजगार पे और बढ़ती हुई महंगाई पे सवाल करें। मैं यहां मौजूद मेरे सभी बड़े मां बाप और युवा साथियों से पूछना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में आपके बच्चों के लिए, मेरे युवा साथियों, आपके रोजगार के लिए, आपकी शिक्षा के लिए इस सरकार ने क्या काम किया। साथियों, बीजेपी की सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों में यहां 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। एक तरफ बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये भाजपा की सरकार आपके प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है ताकि आपके बच्चे शिक्षा ना हासिल कर सके। साथियों, एक तरफ सरकार के पास हरियाणा में 2200 सीनियर स्कूल हैं, उनमें से 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं है। साथियों, अब आप ही बताइए कि जिन बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर उन स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कभी पढ़ लिख पाएंगे? बताइए, आपके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे? जब बच्चे आपके पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इन लोगों की गुलामी ही करनी पड़ेगी। ये साथियों आपके बच्चों को शिक्षा से दूर रखकर आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। समय आ गया है इनको खदेड़ बाहर कर यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। साथियों, इनकी सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट की परीक्षा नहीं है जिसके पेपर लीक ना हुए हो। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, यहां दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक सरकार में रहकर कुछ नहीं करती तो दूसरी विपक्ष में बैठकर उसको इन मुद्दों पर घेरती नहीं। तो साथियों, अब आप ही बताइए कि क्या इन दोनों में से किसी भी पार्टी को सत्ता में आने का हक है कि नहीं? मुझे नहीं लगता साथियों कि इन्होंने आपके भविष्य के साथ कोई अच्छा काम किया है। साथियों, एक तरफ भाजपा और कांग्रेस है जो बीजेपी विरोधी नीतियों पर चल रही है। बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 सालों में यहां हरियाणा में आपके बच्चों के रोजगार के लिए क्या किया? साथियों, ये इस कदर आप लोगों के बच्चों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं कि आज हरियाणा में 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं साथियों, बीजेपी के पिछले 10 साल के शासनकाल में 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद यहां पर 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। तो एक तरफ हमारा हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार ढूंढता फिरता दर बदर घूम रहा है और इनके पास 2 लाख पद खाली पड़े हैं, परंतु आज तक इनमें से किसी की भी इतनी इच्छा नहीं हुई कि उठ के वो 40% युवा को रोजगार देकर ये 2 लाख सरकारी नौकरी तो दे सके। साथियों, आप जानते हैं क्यों ये आपको सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते? आपके युवाओं को सरकारी नौकरी क्यों नहीं देना चाहते? साथियों, ये आपको अगर सरकारी नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा, परंतु ये क्या कर रहे हैं? कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रहे हैं जिसके तहत ये जितनी भी परमानेंट पक्की नौकरियां हैं उनको कच्ची नौकरी देकर आपको आरक्षण से दूर रखने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ बीजेपी की सरकार ऐसे काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारे लोग को गरीब और कमजोर बना रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस इन भाजपा के लोगों को सत्ता में रहकर, ऑपोजिशन में रहकर घेरने का काम नहीं कर रहे, इनको सड़क पर उतरकर इन ऐसे मुद्दों पे घेरने का काम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 5 साल के शासनकाल में, साथियों उन्हीं 5 साल के शासनकाल में 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को रोजगार दिया था, 1 लाख से अधिक
सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी थी, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया था और 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के कमजोर वर्ग के विभिन्न साथियों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, जिसके दिल में इच्छा हो अपने समाज को खड़ा करने के लिए, जिसके मन में मेहनत करने की इच्छा हो कि उनका वर्ग आगे बढ़े, वो मौके या वो बहाने नहीं ढूंढता। वो समय पे जब रोजगार जब जब मौका मिले तब तब अपने समाज के लिए काम करने का काम करता है, तभी इतने सारे लोगों को नौकरी मिल पाती है। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज 55 रूपये से बढ़ाकर 100 रूपये प्रतिदिन कर दी थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दिया था। साथियों, बहन जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए रातों रात गन्ना के दाम दुगने कर दिए थे। एक तरफ ये भाजपा और कांग्रेस वादा करती है कि हम किसानों के लिए MSP लाएंगे, 10 साल से सत्ता में रही दोनों पार्टियां और आज तक यहां का किसान गरीब और बेलचार घूम रहा है। आज तक ये किसान 700 से ज्यादा किसानों को अपनी बलिदान देनी पड़ी ताकि वो अपने एक काले तीन काले काले कानूनों को दूर रख सके। साथियों, ये है असली सरकार, ये है भाजपा और कांग्रेसियों के असली चेहरे। साथियों, एक वो सरकार थी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की, जो सीने पे चौड़ के मोहल्ले मोहल्ले में घूम के आपके परेशानियों को सुनकर आपकी परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे थे। तो बताइए कि आप चाहते हैं दोबारा से आपका नेता मोहल्लों में घूम घूम कर आपके आपकी तकलीफों को दूर करे? हाथ उठा के बता दीजिए आप चाहते हैं ये। तो समय आ गया है हाथी और चुनाव, हाथी और आईने के सामने वाला बटन दबाकर हमारे आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का। साथियों, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का। एक तरफ साथियों, ये भाजपा के लोग बोलते थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, गैस का सिलेंडर लेके सड़कों पे दर बदर घूमते थे, छाती पीटते थे कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, गैस का सिलेंडर पार चौपार हो चुका है। अब 10 साल बाद ना इनके मुंह से महंगाई के शब्द निकलते हैं, ना इनसे रोजगार के लिए शब्द निकलते हैं। अब चुनाव सर पर है तो क्या कहते हैं, लोन माफ कर रहे फिर रहे हैं। साथियों, आज ये चौड़ के बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। मैं यहां बैठी मेरी जनता से पूछता हूं, अगर आप बताइए, समझदार इतनी सी समझ है इन सरकार में, भाजपा और कांग्रेसियों में अगर इतनी सी भी समझ है तो ये भाषण में कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। ये कभी नहीं बोलते कि 80 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया है और उन्हें हमें मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। साथियों, अगर भाजपा की सरकार 2014 में जो वादा किया था कि सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगी, अगर वो नौकरी दे देती तो आज हमारे मेहनती भाइयों का टैक्स का पैसा इन फ्री में राशन देने की स्कीमों पे नहीं लगता, बल्कि यहाँ रोजगार देने में लगता और हमारा किसान, हमारा युवा वर्ग महीने का 2000 रूपये का 1000 रूपये का राशन डोलता पर डोलता नहीं घूमता, बल्कि महीने का कम से कम 20,000 रूपया कमाता और साल का 2.5 लाख रूपया कमाता और अपने माँ बापों का गर्व से सर ऊंचा करता और बताता कि मैं भी एक मेहनती लड़का हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा बच्चा हूँ। साथियों, परंतु ये वो सरकार नहीं जिन्होंने आपके हितों के लिए काम किया।